हेलो नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आप सभी का यहां पे स्वागत करते हैं। आज अपन एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं, आपका ट्रिग्नोमेट्री का 8.4 यानी 8.4 का जो 5 नंबर क्वेश्चन है उसमें 10 पार्टीशन दिए गए हैं। छोटे छोटे आपको 10 क्वेश्चन दिए गए थे, उसमें 10 क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन 100% आपके मेनली एग्जाम में आएगा। तो इस क्लास में अपन पहले से लेके 5 तक क्वेश्चन करेंगे और इसकी सेकंड क्लास में अपन 6 से लेके आके 10 क्वेश्चन तक अपन 5 क्वेश्चन उस क्लास में करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगी बेल आइकन को दबाएं और क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो। कोई भी आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक आप छाप सकते हैं कोई भी, या आप हमारे व्हाट्सएप पे भी आ सकते हैं तो वहाँ पे आपको रिप्लाई उसका मिल जाएगा। चलेगा 100% एक क्वेश्चन आएगा, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे कमेंट आए मेरे पास कि सर जी व्हाट्सएप पे भी आ रहे हैं कि सर जी हमें 8.4 बहुत ही हार्ड लग रहा है और इसमें जो 5 नंबर के आगे के जो क्वेश्चन है ना 5 नंबर में वो हमें नहीं आते। तो ये बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, ये पहले मैं करवाने वाला था लेकिन कमेंट भी बहुत आ गए तो मैं इसको थोड़ा जल्दी लेके आ गया हूँ आपके लिए। तो चलिएगा, पहला ही क्वेश्चन है कि LHS बराबर RHS, 5 नंबर का पहला क्वेश्चन है LHS बराबर RHS, दोनों को इक्वल प्रूव करना है। तो अपन LHS साइड लेके चलते हैं इसमें, और आपको LHS साइड में कोसेक और कोट दिया गया है, इसको अपन को किस में चेंज करना है, कोस में चेंज करना है। तो देखिएगा सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, LHS साइड में है कोसेक, कोसेक थीटा माइनस में कोट थीटा का होल स्क्वायर। अब कोसेक और कोट को साइन कोस में कन्वर्ट कर लो, कोसेक और कोट को साइन कोस में कन्वर्ट कर लो। तो मैं यहां पे लिखूंगा कि कोसेक थीटा बराबर 1/2 होता है साइन थीटा, और कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा बराबर साइन कोस में कन्वर्ट करेंगे तो कोट थीटा इज इक्वल टू होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। ये अपन अच्छे से जानते हैं, तो इसकी जगह ये लिखेंगे 1/2 साइन थीटा माइनस में कोस थीटा बटे साइन थीटा, और इसका पूरे का क्या है होल स्क्वायर है, पूरे का क्या है होल स्क्वायर है। चलेगा कोई बात नहीं, इसका एलसीएम लेते हैं क्या बनेगा साइन थीटा, एलसीएम आएगा दोनों का साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा 1 माइनस में कोस थीटा का होल स्क्वायर है। भी साइन इसका एलसीएम आ गया, साइन यहाँ पे भी साइन से साइन तो कट जाएगा, 1 माइनस में कोस थीटा का होल स्क्वायर है। अब अपन करते हैं कि 1 माइनस में कोस थीटा का होल स्क्वायर, ये कोस है ठीक है, कोस थीटा का होल स्क्वायर है। अब देखिएगा नेक्स्ट, बीच में एक बार लाइट कट हो गई थी तो दोबारा देख लीजिएगा, 1 माइनस में कोस थीटा है तो 1 माइनस में कोस थीटा का अपन ने क्या कर दिया होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दिया, नीचे साइन है तो साइन का भी होल स्क्वायर है। तो मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, और पहली सर्वसमिका होती है कि 1 बराबर, मैं यहाँ से लिखूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है पहली सर्वसमिका से। तो यहाँ से मैं अगर साइन का मान कोस में कन्वर्ट करूँ, क्यों करेंगे, इसका रीजन भी आपको पता होना चाहिए कि इसका जो आंसर है वो किस में है, कोस में है। तो बेटा यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। तो मैं इसकी जगह रख सकता हूँ क्या, यहाँ से 1 माइनस में कोस थीटा का पूरा होल स्क्वायर है और नीचे है 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। तो ये एक तरीके से क्या हो गया, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ये होता है ए स्क्वेयर माइनस में बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए प्लस बी, और ये होता है ए माइनस में बी, ए प्लस बी ए माइनस में बी। तो मैं एक का स्क्वेयर लगा सकता हूँ, एक का स्क्वेयर लगाऊंगा तो एक बार इसको लिखूंगा प्लस में, एक बार माइनस में, लेकिन ऊपर जो नंबर है वो सेम रहेगा 1 माइनस में कोस थीटा का होल स्क्वेयर है अपॉन में एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो 1 माइनस में कोस थीटा, 1 माइनस में कोस थीटा ये रहेगा 1 प्लस में कोस थीटा। अब देख लीजिएगा यहां से 1 माइनस में कोस थीटा और ऊपर पावर 2 है तो एक पावर कट गई, रिजल्ट आएगा 1 माइनस में कोस थीटा, 1 माइनस में कोस थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस में कोस थीटा, और ये क्या आ गया 1 माइनस में कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू आर एच एस।
इज इक्वल टू RHS यानी HP, अपन लेके चले थे LHS साइड और क्या आ गया RHS साइड। क्या करना है, पूरे जो LHS साइड है उसको साइन कोस में बदलना है। कोसेक बराबर होता है एक बटा साइन, कोट बराबर होता है कोस बटा साइन। बना लिया, LCM ले लिया, दोनों का अलग अलग का स्क्वेयर कर दिया। पहली सरोसमिका से अपन जानते हैं साइन स्क्वेयर थीटा बराबर क्या होता है, वन माइनस में कोस स्क्वेयर थीटा। अब अपन जानते हैं स्क्वेयर माइनस में बी स्क्वेयर का फॉर्मूला, यहाँ पे ओपन कर दिया। एक बार प्लस लगा दो, एक बार माइनस लगा दो, तो यहाँ से माइनस वाला पावर ऊपर दो है, नीचे पावर एक है, एक पावर ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा, नीचे वाला नंबर कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर माइनस की पावर एक बचेगी, नीचे प्लस वाला बचेगा। इज इक्वल टू हमारे पास में क्या होगा, RHS आ जाएगा इसका राइट आंसर। समझ में आया। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। यहां पे आपको दिया गया है कोस ए अपॉन में वन प्लस में साइन ए, प्लस में वन प्लस में साइन ए अपॉन में कोस ए इज इक्वल टू सेक ए, सेक ए में कन्वर्ट करना है। तो इसकी भी अपन LHS साइड लेके चलेंगे स्टूडेंट। तो सॉल्यूशन में मैं लिखूंगा LHS साइड से, LHS साइड से यहां पे क्या होगा, कोस ए अपॉन में वन प्लस में साइन ए और प्लस में वन प्लस में साइन ए अपॉन में ये हो जाएगा आपके पास में कोस ए। सबसे पहले तो अपन करते हैं इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा, तो ये आएगा वन प्लस में साइन ए और ये हो जाएगा कोस ए। क्या हो जाएगा, कोस ए, वन प्लस में साइन ए कोस ए दोनों ही गुणा कर दिया, एलसीएम आ गया। अब यहां से वन प्लस में साइन ए से वन प्लस में साइन ए कैंसिल हो जाएगा, कोस का गुणा कोस के साथ में क्या जाएगा बता दीजिएगा, कोस स्क्वेयर ए बनेगा, कोस स्क्वेयर ए प्लस में। अब देखिएगा कोस से कोस कट जाएगा, इसमें भाग लगाते हैं ना इस नंबर का, तो कोस से तो कोस कटेगा और इसका गुणा इसके साथ में जाएगा, तो वन प्लस में साइन ए का क्या है, स्क्वेयर है। वन प्लस में यहाँ पे क्या आएगा बेटा, साइन आएगा, यहाँ पे साइन कर देना, वन प्लस में साइन ए और वन प्लस में साइन ए का गुणा इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वेयर हो जाएगा। अब अपन इसका ओपन कर लेते हैं, कोस स्क्वेयर ए सेम का सेम, प्लस में ए प्लस में बी का होल स्क्वेयर। और अपन जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वेयर क्या होता है, ए का स्क्वेयर प्लस में बी का स्क्वेयर प्लस में टू ए बी, क्या होता है टू ए बी। तो यहां से एक का स्क्वेयर एक प्लस में ये क्या बनेगा, साइन स्क्वेयर ए, साइन स्क्वेयर ए प्लस में टू ए बी, दो गुणा ए का मान तो एक है और यहां पे क्या आ जाएगा साइन ए, दो गुणा साइन ए अपॉन में ये बन जाएगा वन प्लस में साइन ए और ये हो जाएगा आपके पास में कोस ए। तो यहां से अब समझेंगे कि साइन स्क्वेयर ए प्लस में कोस स्क्वेयर ए क्या बनेगा। पहली सरोसमिका से, पहली सरोसमिका मैंने यहां पे लिखी, इसका मान क्या होता है एक होता है, तो अपन लगा देते, मैं एक बार पास में लिख देता हूं इसको, कोस स्क्वेयर ए प्लस में साइन स्क्वेयर ए, ठीक है, और प्लस में यहां पे कितना है एक और प्लस में कितना है टू साइन ए अपॉन में, टू साइन ए अपॉन में वन प्लस में साइन ए, वन प्लस में साइन ए और ये क्या है कोस ए। तो यहां से इसका मान कितना होगा, यहां से इसका मान कितना हो जाएगा एक हो जाएगा, एक प्लस में टू साइन ए, टू साइन ए डिवाइड बाई वन प्लस में साइन ए और ये है आपके पास में कोस ए। कैसे बना कि कोस स्क्वेयर ए प्लस में साइन स्क्वेयर ए का मान हो गया एक, एक आ गया, प्लस में एक यहां पे ऑलमोस्ट है, प्लस में टू साइन ए यहां पे है, अपॉन में वन प्लस में साइन ए और कोस ए, एक और एक कितना हो जाएगा, एक और एक कितना हो जाएगा आपके पास में ये बनेगा दो, प्लस में दो यहां पे है और यहां पे कितना है साइन ए, अपॉन में ये कितना है वन प्लस में साइन ए और इसके गुणा में क्या है कोस ए, इसके गुणा में क्या है कोस ए है। अब देख लीजिएगा साइड में, मैं यहां पे लिखना चाहूंगा इसके बीच में, तो ऊपर से क्या कॉमन आ गया दो कॉमन आ गया, ऊपर से क्या कॉमन आ गया दो, तो ये बनेगा एक यहां पे बचेगा प्लस में साइन ए, एक प्लस में साइन ए अपॉन में एक प्लस में साइन ए, एक प्लस में
साइन ए और इसके गुणा में क्या है कोस ए, इसके गुणा में क्या बेटा कोस ए है ना, दिक्कत कोई है। अब एक प्लस में साइन ए, एक प्लस में साइन ए, दोनों ही नंबर गुणा में है, सेम नंबर है, कट जाएगा, रिजल्ट कितना आएगा दो बटा कोस ए, दो बटा कोस ए। और अपन जानते हैं अच्छे से कि मैं यहां पे फॉर्मूला लिखना चाहूं तो कोस ए बराबर होता है एक बटा सेक ए, क्या होता है कोस ए बराबर होता है एक बटा सेक ए, तो एक बटा कोस ए बराबर क्या हो जाएगा सेक ए, तो यहां पे होगा टू सेक ए, टू सेक ए इज इक्वल टू आर एच एस, इज इक्वल टू आर एच एस यानी एच पी। हेंस प्रूव क्या किया हमने, सबसे पहले LHS साइड लेके चले थे, साइन कोस में कन्वर्ट है, साइन कोस में ऑलमोस्ट कन्वर्ट है, हमें बदलना नहीं है, कुछ नहीं करना, LCM लेना है, LCM लेके इससे ये दोनों कट जाएंगे, कोस का गुणा कोस के यानी तिरछा गुणा कर देना, कोस का गुणा कोस के साथ में कोस स्क्वायर थीटा, एक प्लस में साइन थीटा और एक प्लस में साइन थीटा है, थीटा की जगह ए है तो कोई बात नहीं ए कर देना, वन प्लस में साइन ए और वन प्लस में साइन ए का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इसको ओपन कर देना ए प्लस में बी के होल स्क्वायर से, ओपन कर दिया, ये पहली सर्वस्मिका लगेगी एक, प्लस में एक यहाँ पे है, प्लस में टू साइन ए, प्लस में टू साइन ए, अब यहाँ से क्या हो जाएगा एक और एक दो हो जाएंगे, दो कॉमन ले लिया, एक प्लस में साइन ए, एक प्लस में साइन ए नीचे है, बीच में दोनों ही गुणा में कट जाएंगे, एक बटा कोस दो बटा कोस है और कोस ए बराबर क्या होता है एक बटा सेक ए, या एक बटा कोस ए बराबर होता है सेक ए, तो यहां से क्या बन जाएगा दो सेक ए इज इक्वल टू आर एच एस एच पी। हेंस प्रूफ। अब चलते हैं अपन तीसरे क्वेश्चन पे, अब देखिएगा ये तीसरा क्वेश्चन है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 2022 में शायद आपको देखने को मिले, टेन थीटा अपॉन में वन माइनस में कोट थीटा प्लस में कोट थीटा अपॉन में वन माइनस में टेन थीटा इज इक्वल टू वन प्लस में सेक थीटा और कोसेक थीटा, हमें प्रूव करना है, ये लेके आना है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो रट लीजिएगा, एक तरीके से रट्टा मार लीजिएगा, ठीक है। ये अपन LHS साइड लेके चलते हैं, इसकी LHS साइड लेके चलते हैं बेटा, सबसे पहले LHS साइड में जो गिवन है वो लिखते हैं टेन थीटा अपॉन में वन माइनस में कॉट थीटा प्लस में ये है कॉट थीटा अपॉन में वन माइनस में टेन थीटा, वन माइनस में टेन थीटा। अब पूरे क्वेश्चन को, और एक बात और बता देना चाहूँगा, लगभग जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें एक दो क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सभी क्वेश्चनों को आप साइन कोस में कन्वर्ट कर दो, साइन कोस में कन्वर्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, LHS और RHS को बराबर होना ही पड़ेगा, ठीक है। अब मैंने इसको साइन, ये टेन और कोट दे रखा है, टेन और कोट दे रखा है, इसको मैं साइन कोस में कन्वर्ट करता हूं, देखिएगा टेन बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, साइन थीटा बटे कोस थीटा अपॉन में एक माइनस में कोट थीटा बराबर क्या होता है कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस में कोट बराबर क्या होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा, कोस थीटा बटे साइन थीटा अपॉन में वन माइनस में टेन थीटा बराबर क्या होता है टेन बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। यहां तक कमेंट करके बताएं क्या समझ में कुछ आया, क्या किया टेन थीटा को साइन बटा कोस लिख सके, कोस कोट थीटा नापा लिख सका कोस बटा साइन, यानी एक दूसरे के क्या उल्टे उल्टे होते हैं विपरीत होते हैं, इतना बना दिया। अब नीचे वाले का क्या करना है आपको एलसीएम लेना है, नीचे वाले नंबर का एलसीएम ले लीजिएगा, तो मैं इसको एक बटा एक कर सकता हूं क्या, इस एक को मैं एक बटा एक कर सकता हूं, इसको मैंने एक बटा एक कर दिया और इसको भी मैंने एक बटा एक कर दिया, ठीक है एक बटा एक। अब एक और साइन थीटा एक और कोस थीटा अलग अलग एलसीएम आएगा दोनों का, निकाल लीजिएगा, तो यहां पे ये कंडीशन बनेगी कि इसका आपने साइन थीटा क्या ले लिया एलसीएम ले लिया, इसका साइन थीटा एलसीएम आ गया, साइन का गुणा एक के साथ में ये बनेगा आपके पास में साइन थीटा माइनस में कोस थीटा, फिर साइन थीटा माइनस में क्या है कोस थीटा, बीच में माइनस का साइन है, ऊपर वाला लिख दो आपने लिखा साइन थीटा बटे कोस थीटा, साइन थीटा बटे कोस थीटा, बीच में साइन किसका प्लस का, और ये क्या आएगा कोस थीटा बटे साइन थीटा
अपॉन में कोस इसका एलसीएम आएगा, कोस थीटा इसका क्या आएगा, एलसीएम आएगा कोस का गुणा एक के साथ में, ये बनेगा कोस थीटा और ये बनेगा माइनस के साइन थीटा, कोस थीटा माइनस में साइन थीटा। भी इसका एलसीएम कोस आ गया तो ये कोस का गुणा एक के साथ में कोस एकम कोस, कोस थीटा माइनस में साइन थीटा। अब एक कंडीशन होती है क्या, देख लीजिएगा कि ए बटा बी अपॉन में सी बटा डी, इसको अपन लिख सकते हैं ए बटा बी गुणा डी बटा सी, क्या लिख सकते हैं ए बटा बी गुणा डी बटा, ये चेंज हो जाता है, इसका व्युत्क्रम हो जाता है, जो नीचे नंबर है वो ऊपर चला जाता है और जो ऊपर नंबर है वो नीचे आ जाता है, ठीक। तो ए बटा बी गुणा डी बटा सी, तो इसी प्रकार से ये ए बी सी डी, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये आपके पास में यहाँ पे कितना है साइन थीटा, नीचे क्या है कोस थीटा, नीचे क्या है कोस थीटा, गुणा में साइन ऊपर चला जाएगा, क्या चला जाएगा साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या बनेगा साइन थीटा माइनस में कोस थीटा, साइन थीटा माइनस में कोस थीटा, बीच में साइन किसका आएगा प्लस का, ये क्या है कोस थीटा, ये क्या है कोस थीटा बटे साइन थीटा, और गुणा में कोस ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा कोस थीटा बटे कोस थीटा माइनस में साइन थीटा, कोस थीटा बीच में क्या है माइनस का है साइन थीटा, यहां पे ये माइनस का साइन है साइन थीटा। अब देखिएगा यहां से साइन का गुणा साइन के साथ में साइन स्क्वेयर थीटा, साइन का गुणा साइन के साथ में साइन स्क्वेयर थीटा, कोस का गुणा कोस के साथ में कोस स्क्वेयर थीटा। तो अब अपन लिखेंगे इसको क्या बन जाएगा, देखना बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, तो ये बनेगा साइन स्क्वेयर थीटा, साइन का गुणा साइन के साथ में साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन में यहां पे क्या है कोस थीटा, और ये है साइन थीटा माइनस में कोस थीटा, बीच में प्लस का साइन, कोस का गुणा कोस के साथ में क्या बनेगा कोस स्क्वेयर थीटा अपॉन में साइन, यहां पे क्या है साइन थीटा, और ये है कोस थीटा माइनस में साइन थीटा, कोस थीटा माइनस में साइन थीटा, कोस थीटा माइनस में साइन थीटा, तो ये आपके पास में बनेगा। अब एक देखना कि यहां पे तो है साइन माइनस में कोस थीटा और यहां पे है कोस माइनस में साइन थीटा, क्या करें, इसमें से जो ब्रैकेट में नीचे दिया गया इसमें से मैं माइनस कॉमन लूं, क्या निकालूं बाहर, माइनस को खींच के बाहर निकालूं, तो यहां पे प्लस है एक माइनस यहां से आएगा तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएंगे, तो मैं इसको दोबारा लिख रहा हूं, ये बनेगा साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन में कोस थीटा और ये क्या है साइन थीटा माइनस में कोस थीटा, बीच में आ गया माइनस, और यहां पे क्या बनेगा कोस स्क्वेयर थीटा अपॉन में साइन थीटा, अपॉन में साइन थीटा और ये है कोस थीटा। अब चेंज हो जाएगा ना, अब माइनस कॉमन ले लिया ना तो ये तो हो जाएगा साइन, जो प्लस का है ना वो तो माइनस का, जो माइनस का है वो प्लस का, तो माइनस का साइन है तो ये तो प्लस का हो जाएगा कोस थीटा, और माइनस में ये प्लस का कोस है तो ये बनेगा सॉरी ये तो हो जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा यहां पे करोगे जो कि माइनस का है प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा माइनस का कोस थीटा। अब नीचे क्या है साइन थीटा माइनस में कोस थीटा, साइन थीटा माइनस में कोस थीटा, इसलिए माइनस को कॉमन लिया है इक्वल बनाने के लिए। अब अपन क्या करेंगे इसमें से बाहर निकाल लेंगे, एक बटा साइन थीटा माइनस में कोस थीटा बाहर आ गया, यहां पे क्या वैल्यू बन गई, ये बन गया साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन में कोस थीटा माइनस में कोस स्क्वेयर थीटा अपॉन में साइन थीटा, कोस स्क्वेयर थीटा अपॉन में साइन थीटा। अब इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, साइन थीटा डॉट कोस थीटा, क्या आएगा साइन थीटा डॉट कोस थीटा, तो एक बटा साइन थीटा माइनस में कोस थीटा, और ये बन जाएगा इसका एलसीएम आ गया आपके पास में
साइन थीटा डॉट कोस थीटा, कोस से कोस कटेगा, साइन का गुणा साइन की स्क्वायर के साथ में साइन की क्यूब थीटा, माइनस में साइन से साइन कटेगा, कोस का गुणा कोस की स्क्वायर के साथ में कोस की क्यूब थीटा, कोस की क्यूब थीटा। अब मैं एक फॉर्मूला लिखूं यहां पे, बेहतरीन सा फॉर्मूला है, ध्यान से देखना। मैं यहां पे लिखूं ए की क्यूब माइनस में बी की क्यूब, एक तो इसका हो जाएगा गुणनखंड ए माइनस में बी, एक तो गुणनखंड हो जाएगा ए माइनस में बी। अब गुणा में रहेगा ए का स्क्वायर प्लस ए बी, प्लस में ए बी, प्लस में बी का स्क्वायर, प्लस में बी का स्क्वायर यानी बी स्क्वायर, ये इसका सॉल्यूशन होगा। ए की क्यूब माइनस में बी की क्यूब, ए माइनस में बी, एक तो सेम का सेम, अगर यहां पे बाहर माइनस आ गया तो अंदर माइनस नहीं जाएगा, अगर बाहर प्लस आ जाता है तो एक बार यहां पे माइनस जाता है, और ये तो दोनों ए स्क्वायर और बी स्क्वायर तो दोनों ही प्लस के रहते हैं, लेकिन यहां पे तीनों ही प्लस के रहेंगे। तो ए की क्यूब माइनस में बी की क्यूब, ए की क्यूब माइनस में बी की क्यूब, तो ये बन जाएगा एक बटा साइन थीटा माइनस में कोस थीटा, और इसको ओपन कर दें तो ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस में कोस थीटा, एक तो बनेगा साइन थीटा माइनस में कोस थीटा, और एक बन जाएगा हमारे पास में साइन स्क्वायर थीटा प्लस में साइन थीटा डॉट कोस थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, यही बनेगा ना, ए स्क्वायर एक का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में ए बी साइन थीटा कोस थीटा प्लस में बी स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में, यहां पे क्या बनेगा साइन थीटा डॉट कोस थीटा, यहां पे क्या बनेगा साइन थीटा डॉट कोस थीटा बन जाएगा। अब समझेंगे, ये यहां पे गुणा में है, ये भी गुणा में है, ये अभाग में है ना नीचे, ये साथ में तो गुणा में है लेकिन नीचे भाग में भी है साथ में, तो ये नंबर इससे कट जाएगा, साइन थीटा माइनस में कोस थीटा, साइन थीटा माइनस में कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा। अब वैल्यू क्या बचेगी यहां पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बचेगा, तो मैं इसको यहां पे लिखना चाहूंगा इसके आगे, तो ये वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन थीटा डॉट कोस थीटा डिवाइड बाई, नीचे भाग किसका करना है साइन थीटा डॉट कोस थीटा का, साइन थीटा डॉट कोस थीटा का भाग करना है। अब मैं नीचे लिख रहा हूं अलग अलग में भाग लगा रहा हूं, क्या करेंगे अपन को तो लेके आना है एक प्लस में सेक थीटा और कोसेक थीटा, तो ये क्या हो गया पहली सर्वसमिका हो गई साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, इसके बराबर होता है एक, इसके बराबर क्या होता है एक, तो एक प्लस में ये हो गया साइन थीटा डॉट कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा डॉट कोस थीटा जो नीचे नंबर है, अलग अलग में भाग लगाएंगे तो मैं इसको लिखूंगा एक बटा साइन थीटा डॉट कोस थीटा प्लस में ये क्या बन जाएगा साइन थीटा डॉट कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा डॉट कोस थीटा, तो ये तो दोनों ही नंबर सेम है कट गया, दोनों ही नंबर सेम है कट गया, एक बटा साइन क्या होता है कोसेक होता है, क्या होता है कोसेक, तो मैंने इसको लिख दिया कोसेक थीटा, एक बटा कोस क्या होता है एक बटा कोस होता है सेक थीटा, गुणा में है ना, तो सेक थीटा और प्लस में एक, तो इसको मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूं एक प्लस में sec थीटा डॉट cosec थीटा, एक प्लस में sec थीटा डॉट cosec थीटा इजिकल टू आर एच एस, इजिकल टू आर एच एस यानी एच पी हैंस प्रू, बहुत ही बढ़िया और शानदार क्वेश्चन है 2022 में देखने को मिलेगा, 100% गारंटी के साथ मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा बीच में मैं लाइनिंग कर देता हूँ, कोई इश्यू आता है तो। अब यहां पे क्या किया, सबसे पहले एलएचएस साइड लेके चले, सभी को क्या है साइन कोस में कन्वर्ट कर दिया, टेन बराबर होता है साइन बटा कोस, कोट बराबर होता है कोस बटे साइन, नीचे वाले का एलसीएम ले लिया, एक का आ गया साइन एक का आ गया कोस,
अब आपने ए अपॉन में बी अपॉन में सी अपॉन में डी से इसको चेंज कर दिया, तो ये जो कोस और साइन है वो ऊपर चले जाएंगे और गुणा में हो जाएंगे, तो ये साइन स्क्वेयर और ये कोस स्क्वेयर बन जाएगा। अब आपको यहां पे थोड़ा ध्यान रखना है कि यहां पे हमारे पास में साइन थीटा माइनस में कोस थीटा है, लेकिन यहां पे कोस थीटा माइनस में साइन थीटा है। क्या करेंगे, सेम बनाने के लिए माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये प्लस यहां से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा कॉमन लेने पे, और ये प्लस माइनस का है तो ये तो हो जाएगा प्लस का, ये प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का। तो साइन थीटा माइनस में कोस थीटा, साइन थीटा माइनस में कोस थीटा, इसका एलसीएम क्या आएगा, साइन थीटा कोस थीटा एलसीएम आएगा, तो ये बनेगा साइन की क्यूब माइनस में कोस की क्यूब, ए क्यूब माइनस में बी क्यूब का फॉर्मूला ये रहा ऊपर, इस प्रकार से ओपन कर देंगे, इससे ये दोनों कट जाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा को पास पास लिख लेते हैं, ये पहली सर्वसमिका से एक मान देता है, एक प्लस में साइन थीटा डॉट कोस थीटा, अलग अलग में भाग तो लगा सकते हैं, एक में लगा दिया प्लस में इन दो इन में लगा दिया आगे वाले में, तो ये तो दोनों नंबर सेम है कट जाएंगे, यहां से ऐसे मत काट देना, डायरेक्टली मत काट देना, अलग अलग को भाग दे के ही काटना है, एक बटा साइन कोसेक होता है, एक बटा कोस सेक होता है, कोसेक थीटा डॉट सेक थीटा प्लस में एक इज इक्वल टू आर एच एस एच पी, लीजिएगा स्क्रीनशॉट। चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। अब देखिएगा इसका चार नंबर क्वेश्चन है कि एक प्लस में सेक ए अपॉन में सेक ए बराबर साइन स्क्वेयर ए अपॉन में वन माइनस में कोस ए, हमें नीचे हिंट भी दिया गया है, संकेत भी दिया गया है कि दोनों भागों को अलग अलग हल कीजिए, पहले एलएचएस साइड को फिर आरएचएस साइड को, दायां भाग और बायां भाग को अलग अलग हमें हल करना है, तो सबसे पहले अपन एलएचएस साइड लेके चलते हैं, एलएचएस साइड लेके चलते हैं, यहाँ पे एक प्लस में सेक ए अपॉन में सेक ए अपॉन में सेक ए, तो यहाँ से क्या आएगा, सेक को साइन कोस में बदलना आता है, इसमें इसको कोस में बदल लीजिएगा, इसको कोस में बदलेंगे तो लिखेंगे एक प्लस में एक बटा कोस ए अपॉन में एक बटा, ये बनेगा कोस ए, एक बटा कोस ए बन गया। अब ऊपर वाले का क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा ऊपर वाले का, अपन ने कोस ए एलसीएम ले लिया, तो कोस का गुणा, इसको मैं एक ये मान सकता हूँ क्या, एक बटा एक, एक को एक बटा एक लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, कोस का गुणा एक के साथ में कोस ए प्लस में एक डिवाइड बाय एक बटा कोस ए, एक बटा कोस ए, या तो डायरेक्ट काटो या ऐसे लिख दो उसको पहले, जैसे कि आपने लिखा कोस ए प्लस में एक अपॉन में कोस ए गुणा में कोस ऊपर चला जाएगा कोस ए अपॉन में एक, तो कोस ए से कोस ए कट जाएगा, इसका मान कितना आएगा, इसका मान कितना आएगा, इसका मान आएगा एक प्लस में एक प्लस में कोस ए, बिकोस ए प्लस में एक है, अपन ने लिख दिया एक प्लस में कोस ए, इक्वेशन नंबर एक, इक्वेशन नंबर एक। अब अपन क्या करते हैं, एलएचएस साइड को हल करते हैं, यहां से एलएचएस साइड को हल कर लिया, आरएचएस साइड को हल करते हैं, आरएचएस, तो ये क्या है, साइन स्क्वेयर ए अपॉन में वन माइनस में कोस ए। अब साइन स्क्वेयर ए बराबर अपन जानते हैं क्या फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वेयर ए बराबर वन माइनस में कोस स्क्वेयर ए, वन माइनस में कोस स्क्वेयर ए पहली सर्वसमिका से होता है, तो इसको अपन क्या करेंगे, कोस में करेंगे, साइन को कोस में कन्वर्ट क्यों करेंगे, पहली इक्वेशन का मान हमारे पास में क्या आ रहा है, कोस में आ रहा है, इसलिए कोस में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा वन माइनस में कोस स्क्वेयर ए अपॉन में वन माइनस में कोस ए, वन माइनस में कोस ए, इस पे मैं स्क्वेयर लगा सकता हूं क्या, ए का स्क्वेयर माइनस में बी का स्क्वेयर, ये क्या होता है, जैसे कि ए का स्क्वेयर माइनस में बी का स्क्वेयर, एक बार तो इसको प्लस में लिखो और एक बार इसको माइनस में लिखो, तो ये बन जाएगा एक प्लस में कोस ए और ये बन जाएगा एक माइनस में कोस ए, एक माइनस में कोस ए अपॉन में वन माइनस में कोस ए, वन माइनस में कोस ए, तो वन माइनस में कोस ए से वन माइनस में कोस ए कैंसिल हो जाएगा, दोनों नंबर कैंसिल हो जाएंगे, रिजल्ट क्या बचेगा, एक प्लस में
कोस ए, एक प्लस में कोस ए, इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड, एक नंबर इक्वेशन में एक प्लस में कोस ए, सेकंड नंबर इक्वेशन में एक प्लस में कोस ए, लिखेंगे समीकरण एक व दो से LHS बराबर RHS यानी HP, दोनों भाग क्या है बराबर है। HP का मीन्स होता है हैंड्स प्रूफ, इति सिद्धम, यहाँ पे हमने जो सिद्ध करना था वो सिद्ध हो गया। LHS साइड लेके चले, साइन कोस में बदल दिया, अपन जानते हैं सेक बराबर होता है एक बटा कोस, लिख दिया, LCM ले लिया, सॉल्यूशन कर लिया। अब इसमें साइन स्क्वेयर ए बराबर अपन जानते हैं कोस में कन्वर्ट कर दिया, एक माइनस में कोस स्क्वेयर, इसका ए स्क्वेयर माइनस में बी स्क्वेयर, एक बार प्लस में लिख लो एक बार माइनस में, माइनस वाला नंबर नीचे है तो कट जाता है, यानी यहाँ पे बीच में क्या है गुणा है इसलिए कटता है, यहाँ पे बीच में प्लस माइनस होता तो नहीं कटता, फिर अपन को क्या करना पड़ता अलग अलग में भाग दे के करना पड़ता। अब यहाँ पे गुणा में है कट गया, एक प्लस में कोस बच गया, समीकरण नंबर एक और दो से LHS बराबर RHS लीजिएगा स्क्रीनशॉट, चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, पांचवें क्वेश्चन का पांच नंबर, कि सरो समीका का कोसेक ए इज इक्वल टू वन प्लस में कोट स्क्वेयर ए को लागू करके, ये सरो समीका होती है कोसेक स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस में कोट स्क्वेयर थीटा, ये आपकी तीसरी सरो समीका है, इसका हमें उपयोग करके इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो देखिएगा अपन को ये कंडीशन LHS साइड तो लेके चलेंगे, दोनों साइड तो साथ में लेके नहीं चलेंगे, पहले LHS साइड लेके चलेंगे, इसकी RHS साइड अपन लेके आएंगे। तो सबसे पहले लिखिएगा LHS साइड लेने पे सॉल्यूशन में LHS साइड है यहाँ पे cos a माइनस में sin a प्लस में एक अपॉन में cos a प्लस में साइन ए माइनस में वन, ये लिख लिया। अब मैं यहाँ पे जैसे तैसे करके क्या बनाऊंगा, कोट और कोसेक बनाऊंगा। कोट और कोसेक कैसे बन सकता है, अगर मैं इसमें साइन का भाग लगा दूं तो कोस बटा साइन क्या होता है कोट होता है, साइन में साइन का भाग लगेगा एक आएगा कोई बात नहीं, लेकिन इसमें एक में साइन का भाग लगाऊं तो एक बटा साइन यानी क्या बन जाएगा कोसेक बन जाएगा, क्या बन जाएगा कोसेक। तो मैं यहां पे एक बात लिखूंगा कि अंश वहर में, यहां अंश क्या होता है ऊपर वाला, अंश व हर में साइन ए का भाग लगाने पर, भाग लगाने पर, साइन ए का भाग लगाने पर, तो ये कंडीशन बन जाएगी कोस ए अपॉन में साइन ए, कोस ए अपॉन में साइन ए, और यहां पे बनेगा माइनस में साइन ए है अपॉन में, नीचे क्या करना है साइन ए का भाग लगाना है, क्या करना है साइन ए का भाग लगाना है, प्लस में एक बटा साइन ए, एक बटा साइन ए, ये तो पूरा अंश वाला भाग है ना, ये कोष्टक मैंने लगाया है, ये अंश वाला भाग है, ये नीचे वाला कोष्टक लगाया है, ये हर वाला भाग है, अंश बटा हर होता है, अंश बटा हर होता है, तो अंश में अपन ने साइन का भाग लगा दिया, अपॉन में क्या करेंगे हर में कोस का साइन का भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा कोस ए अपॉन में साइन ए, और प्लस में साइन ए अपॉन में साइन ए, और ये बनेगा माइनस में एक बटा साइन ए, एक बटा साइन ए। अब देखिएगा साइन से साइन कट जाएगा, साइन से साइन कटेगा, यहां पे तो मान आएगा एक, लेकिन एक कंडीशन लिख देता हूं ताकि आपको कोई डाउट ना रहे, मैं यहां पे एक बटा साइन ए इज इक्वल टू होता है कोसेक ए, और एक कंडीशन और भी लिख देता हूं, कोस ए बटा साइन ए इज इक्वल टू होता है क्या कोट ए, इज इक्वल टू क्या होता है कोट ए, तो ये बना लीजिएगा कोट, ये तो आपके पास में बनेगा कोट ए माइनस में एक प्लस में कोसेक, कोसेक ए बनेगा अपॉन में, ये क्या बनेगा कोस बटा साइन कोट बनेगा, क्या बनेगा कोट ए प्लस में साइन बटा साइन एक, और माइनस में एक बटा साइन
क्या बनेगा? कोसेक ए बनेगा। क्या बन जाएगा? कोसेक ए बन जाएगा। अब अपन सरोसमिका कैसे उपयोग करेंगे? ये सरोसमिका है, मैं इसको थोड़ा ठीक कर लूं, कोई दिक्कत नहीं चलेगा। अब मैं इस सरोसमिका को ऐसे लिख सकता हूं क्या, इस कोट ए को मैं इस साइड में लेके जाऊंगा तो मेरे पास में बनेगा एक बराबर कोसेक स्क्वेयर ए माइनस में कोट स्क्वेयर ए। ये बनेगा क्या? भी ये प्लस का है, ये प्लस का है, इस साइड जाएगा तो माइनस का, और कोसेक यहां पे प्लस का है ही, तो कोसेक माइनस में कोट बराबर क्या बचेगा? यहां पे क्या बचेगा? अकेला एक बचेगा, तो एक बराबर ये होता है, एक बराबर ये हो जाएगा। और ये क्या है? ए माइनस में बी, ए स्क्वेयर माइनस में बी स्क्वेयर का फॉर्मूला बन गया ना। अब देखिएगा, इस एक की जगह मैं इसको एक बार बाहर निकाल लेता हूं, तो ये बनेगा हमारे पास में कोट ए प्लस में कोसेक ए, कोट ए प्लस में कोसेक ए, और माइनस का क्या है? एक। माइनस का क्या है? एक। अपॉन में नीचे क्या है? कोट ए प्लस में एक माइनस में कोसेक ए। अब इस एक की जगह इस एक को मैं ब्रैकेट में लिख सकता हूं। अब इस एक की जगह ऊपर वाले ओनली फॉर अंश में ही चेंज करना है, हर में कोई चेंज नहीं करना। अब ओनली फॉर इस एक की जगह ये मान रखूंगा, क्या रखूंगा? इस एक के बराबर जो मान है ना, हमें तो इस सरोसमिका का उपयोग करना है, तो उपयोग तो करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। अब देखिएगा, यहां पे हो जाता है कोट ए प्लस में कोसेक ए, ठीक, इसको लिख दिया माइनस में। अब बड़ा ब्रैकेट लगाऊंगा, क्यों? क्योंकि बाहर माइनस है और ये अंदर जाएगा तो निशान के साथ में गड़बड़ करेगा, चेंज करेगा, इसलिए इसको एक बार बाहर रोकने के लिए मैंने बड़ा गेट लगा दिया, बड़ा ब्रैकेट लगा दिया। और ये क्या करेगा? कोसेक स्क्वेयर ए माइनस में कोट स्क्वेयर ए अंदर रहेगा, अपॉन में नीचे क्या चल रहा है? कोट ए, कोट ए प्लस में एक माइनस में कोसेक ए। अब ये फॉर्मूला आप जानते हैं, ए स्क्वेयर माइनस में बी स्क्वेयर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, लिख दीजिएगा, लिख दीजिएगा। तो ये कोट ए प्लस में कोसेक ए और माइनस ये रहेगा कोसेक ए प्लस में कोट ए, कोसेक ए प्लस में कोट ए, और ये बन जाएगा कोसेक ए माइनस में कोट ए, कोसेक ए माइनस में कोट ए डिवाइड बाय, डिवाइड बाय ये बनेगा कोट ए प्लस में एक माइनस में कोसेक ए, कोसेक ए। तो अब देखिएगा, यहां पर ध्यान से समझना, ए स्क्वेयर माइनस में बी स्क्वेयर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, लिख दिया कोट ए प्लस में कोसेक ए, कोट ए प्लस में कोसेक ए, दोनों में कॉमन है, बाहर निकाल लें, चलो निकाल लेते हैं, कोट ए प्लस में कोसेक ए, आपने क्या कर लिया? बाहर निकाल लिया। यहां पे क्या बन गया? इसकी जगह इसको तो बाहर निकाल लिया ना, पूरे से बाहर निकाल लिया बेटा, आपने इसको पूरे से बाहर निकाली, ये पूरा है, इससे बाहर निकाल लिया, तो यहां पे क्या बच गया? एक। यहां पे क्या बच गया? एक माइनस, इसको बाहर निकाल लिया तो इसकी जगह क्या बच गया? अंदर। ये बनेगा कोसेक ए माइनस में कोट ए, कोट ए अपॉन में क्या है? कोट ए प्लस एक माइनस में कोसेक, कोसेक ए। ये तो बाहर निकल गया, ये भी बाहर निकल गया, इसकी जगह बच गया एक, इसकी जगह क्या बचेगा? एक ही बचेगा, एक का गुणा इसके साथ में करेंगे, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, वापिस कोसेक ए माइनस में कोट आएगा, कोसेक ए माइनस में कोट ए। अब मेरे को ये बताएं, इस अंदर माइनस का गुणा कर देता हूं पहले तुम्हें, बाद में बताना,
और जिनको आता है उसने तो मान ही लिया होगा क्वेश्चन सोल्व हो गया, ठीक है। कोसैक ए, कोट ए प्लस में कोसैक ए, एक माइनस अंदर जाएगा तो निशान के साथ में गड़बड़ करेगा, जरूर करेगा, माइनस है। यहां पे क्या आएगा, कोसैक ए, साइन चेंज कर देगा, ये प्लस का था माइनस का कर दिया, ये माइनस का है, माइनस और माइनस का गुणा प्लस, ये क्या बनेगा कोट ए, क्या बनेगा कोट ए डिवाइड बाय, ये बन जाएगा कोट ए प्लस में एक माइनस में कोसैक ए। और यहां पे देख लीजिएगा, माइनस का कोसैक प्लस का कोट प्लस का एक, दोनों ही नंबर सेम है, दोनों ही नंबर सेम है, आगे पीछे लिखे हुए, मैं इसको दोबारा लिख देता हूं जैसा कि ऊपर लिखा गया ऐसे मैं ऐसा लिख देता हूं, कोई बात नहीं। प्लस का एक है पहले लिख दिया, माइनस का कोसैक है कोई बात नहीं, माइनस का कोसैक और प्लस का क्या है कोट, प्लस का क्या है कोट ए। अब इन दोनों को और इन दोनों को काट देते हैं तो ये क्या बन गया, कोट ए प्लस में कोसैक ए इज इक्वल टू आर एच एस एच पी, क्या बताइए, यही निकालना था क्या, कोसैक ए प्लस में कोट ए निकालना था, कोसैक ए प्लस में कोट ए। क्या किया, सबसे पहले अंश व हर में साइन का भाग लगा दो, एक बटा साइन कोसैक होता है, कोस बटा साइन कोट होता है। नीचे अब इसके बाद में कुछ नहीं करना, नीचे वाले को तो सेम यहां तक लेके ही आना है, बस लास्ट में क्या करना है, काटना ही है इसको पकड़ के। ऊपर वाले के साथ में यहाँ पे ये सर्वसमिका का उपयोग करते हैं, एक का मान कोसैक ए माइनस में कोट ए रखते हैं बेटा, ये रख दिया, ए स्क्वेयर माइनस में बी स्क्वेयर ओपन कर दिया। यहां से शायद लगता है मेरे को आपको 1-2% समझ में न आया हो, दोबारा देख लीजिएगा, कोट ए प्लस में कोसैक ए, कोट ए प्लस में कोसैक ए, दोनों में उभयनिष्ठ बाहर निकाल लिया, एक माइनस में कोसैक ए माइनस में कोट ए बच गया, ये तो गुणा में एक रहेगा, तो एक का गुणा किसी नंबर के साथ में करेंगे तो वही नंबर वापिस आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपके पांचवें क्वेश्चन के पांच क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, इसके जो आपके पांच दिए गए थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। आगे के 6 से लेकर 10 तक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्लास कैसी लगी फिर बता देना चाहूँगा, 100 नहीं 110% इसमें से एक क्वेश्चन बनेगा, अच्छे से देखिएगा, फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो मेरे से कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कॉमेंट करके बताएँ क्लास कैसी लगी। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।